का जो टॉपिक आपने लिया था याद योग और तपस्या, तो एक एक लाइन में सूक्ष्म अंतर दोबारा, माने जो नहीं आए थे वो पूछ रहे हैं, आए तो थे लेकिन समझ याद नहीं रहा। तीन चीजें सदा बाबा मुरली में सुना, याद क्या है? चलते फिरते माता जी भाई को देखते याद है, अरे ये बाबा का बच्चा है, बाबा इस बच्चे का कल्याण करो, इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। एक अगर वो बाबा का बच्चा है, दिखाई दे बैच भी पहना है, नजदीक जाओ मिला, भैया आज सेंटर में गए थे, बाबा ने देखो बहुत अच्छी बात सुनाई, मुरली का पॉइंट का दान करो, ये याद है। इसको देखते ही पॉइंट याद आए, दान करो, इनको देखते ही शुभ भावना देने की याद आए, ये याद। ये चलते फिरते अगर कोई नहीं, अकेले आप घर में बैठे हो तो मन में खाना बनाते किसकी याद आती है, देखो उसने बहुत दुख दिया था, याद आती है, हाँ बाबा दिया था, लेकिन वो आपके बच्चे हैं, उनका कल्याण करो, मन ही मन में उनकी सेवा करो, शुभ सोचो, ये मनसा सेवा। तो इसको कहते हैं ये चलते फिरते 8 घंटा कर सकते हो, लेकिन इससे पहले जो किया हुआ पाप विकर्म विनाश नहीं होगा, अभी आपसे कोई पाप नहीं होगा, ये दोनों जानना चाहिए। हम जो योग कर रहे हैं कि दवाई क्यों ले रहे हो, पहले की बीमारी मिटाने के लिए, तो ये करने से पहले की बीमारी नहीं मिटेगी, अब दोबारा बीमारी नहीं होगी, समझ में आना चाहिए। दूसरा योग सर्व संबंध से जो कर्म करते करते बाबा आपके लिए खाना बना रहे हो, बाबा आप मेरे डॉक्टर हो, मुझे ये बीमारी है, क्या करो, किस डॉक्टर के पास जाओ, तो डॉक्टर है पति, कौन है हमारा, पतियों का पति है, मेरा बेटा है, दोस्त है, कुछ बात दिल के औरों को नहीं बताओ, भगवान मेरा दोस्त है, हाँ कुछ चाहिए, भूख लगी खाना चाहिए, मां से मांगना नहीं होता, मां से अधिकार है ना, मां से मांगना नहीं कहते उसको, अधिकार है बच्चों का, तो माँ बाप मेरे शिव बाबा, माँ बाप भगवान, माँ बाप बाबा मुझे ये चीज चाहिए, बाबा मुझे ये भूख लगी, मुझे ये चीज चाहिए, तो बाबा को कह सकते हो। तो ये सर्व संबंध बाप से जोड़ना, ये इसको योग कहते हैं, जोड़। इससे भी पहले जो किए हुए विकर्म विनाश नहीं होंगे, अभी विकर्म नहीं होगा, नहीं तो क्या होता है कि माता जी को कोई खुशी की याद आती है, किसी बच्चे नहीं है, दूसरों बच्चों को देखते ही चाह रहता है, मुझे भी हमको भी ऐसा बच्चा चाहता, किसी को देखते और याद आता है, तो दूसरों से संबंध जुड़ जाता है देदारी से, उसके लिए बाबा ने कहा सर्व संबंध एक मेरे से जुड़। ये योग। तपस्या क्या? तपस्या सवेरे आधा घंटा 4 से 5, शाम को 6:30 से 7:30, संध्या का, इस 2 समय पर बैठकर आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। कैसे करो? तो उसकी विधि बताता, आराम से आंखें खोल के बैठो और अपने आप से बात करो, मैं कौन, पूछना, बुद्धि को सब ज्ञान याद है, तुरंत बुद्धि कहेंगे हाँ कल बताया था, शक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा, फिर पूछो मेरा रूप कैसा है, हाँ बाबा ने उस दिन कहा था मैं सफेद चमकता हुआ सितारा भ्रगुटी के बीच में बैठा हूं, फिर मेरे गुण, हाँ जब मैं परमधाम से आया था कितना पवित्र था, जब मैं परमधाम से आया था कितना शांत स्वच्छ था, अब मुझे ऐसे बनना है, 7 गुण है, एक एक गुण याद देना रोज। चौथा मैं क्या करता हूं, हाँ इन आंखों से देखता हूं, इस मुख से बोलता हूं, लेकिन अभी योग करने बेटा कौन आया कौन गया इधर उधर देखना नहीं चाहिए, शरीर को नहीं, डिटैच कहा, अशरीरी बनो, शरीर का उपयोग नहीं करना 15-20 मिनट। पांचवा मैं कहां से आया, परम धाम से, परम धाम में कौन है, शिव बाबा, कौन है वो, आपका पिताजी है, पिताजी के पास क्या है, लेकिन हमारे पिताजी के पास इतने कार है, इतना जमीन है, इतना पैसा है, ऐसे बताएंगे ना, तो शिव बाबा के पास क्या है, हाँ हमारा बाप पवित्रता का सागर, हमारा बाबा देखो कभी गुस्सा नहीं करता है, शांति का सागर, हमारा बाप देखो कितना सबको सुख देता है, ऐसे बाबा से, बाबा मैं आपके जैसे कैसे बनूं, मैं आपका बच्चा हूं, मैं रावण का बच्चा तो नहीं, गुस्सा क्यों आता है मुझे, मैं आपका बच्चा हूं, मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा, तो बाबा से बात करते करते तो संबंध जुड़ जाता है ना, तो
तो ये याद, अगर एक महीना रोज ऐसे करते हो तो देखना किसी की दवाई भी आए एक महीना तो बीमारी ठीक होनी चाहिए ना। क्यों योग कर रहे हो? बाबा ने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं। जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं, अगर रोज सवेरे 15 मिनट, शाम को 15 मिनट करते हो रोज, देखा एक महीना कब से कब करके देख लो, जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं कहां से रहते हैं, किए हुए कर्म भरे हुए हैं, तो शिव बाबा की शक्ति से वो धीरे धीरे मिटते जाएंगे। रोज अगर एक गोली खाते हो 2-4 दिन के बाद धीरे धीरे सिर दर्द खत्म होता है, तब विश्वास होता है हाँ डॉक्टर अच्छा है, गोली भी अच्छी है। अगर दवाई लिया सिर दर्द गया नहीं तो डॉक्टर अच्छा कहेंगे कि डॉक्टर भी ठीक नहीं, गोली भी ठीक नहीं, छोड़ दो, है ना। अब ये भी डॉक्टर कहता है बच्चे मुझे निरंतर ऐसे ही याद करो, ये दवाई ले लो सवेरे उठकर, ये 5 गोली, ये 8 शक्तियां है। तो मेरे से अगर बात करते हो, मेरी शक्ति, मैं पतित आत्मा को पावन करने आया, पाप कटेश्वर का पाप मिटाने आया, लेकिन मेरे से जोड़ो। जैसे आप इधर बैठे हो, अभी सूर्य बाहर आया है, सूर्य की किरणें आपको मिलती है, सूर्य कहता मैं आया हूं ले लो, लेकिन आप अंदर बैठे हो तो धूप चाहिए आपको मिलेगी, तो शरीर को बाहर ले जाना पड़ेगा, है ना। तो मांगने की जरूरत, सूर्य आया हुआ है, सूर्य की किरणें पड़ती शरीर पर, चाहो नहीं चाहो पसीना निकलता है। ऐसे शुभ बाबा आया हुआ है, कहां है वो दिखाओ, आत्मा के लिए शरीर से बाहर आओ दिखाई देगा। तो शरीर से बाहर आने की विधि बताया, अपने को आत्मा का बाप बनो, आत्मा को शक्ति देने के लिए वो सूर्य आया हुआ है। शरीर से बाहर आओ, मकान से बाहर जाओ, कैसे जाओ कुछ बताया, मैं कौन, मेरा रूप, आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन करते आत्मा शरीर के भान से बाहर आता है, तब उसको बाबा जो है जैसा है दिखाई देता है, शक्ति मिलती है। समझ में आया? अगर इधर बैठ के सूर्य कहां है दिखाओ, बाहर आओ दिखाता हूं, सूर्य की गर्मी कैसी है आओ देख लो, वो गर्म है कि ठंडा है, यहां बैठ के मिलेगा। हम शरीर में बैठ करके भगवान को देखना चाहते हैं, ये अज्ञान है, वो शरीर का बाप नहीं, आत्मा के।